on a new adventure. तो पैकिंग वैकिंग सारी हो गई है अब यहाँ पे। कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, क्या बोलो? कुछ बोलो, जा रहा हूँ मैं उधर। जा रहा है तो अच्छे से जाना, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी। हैं? अच्छे से जाना, अच्छे से जाना, फोन करते रहना। तो पैकिंग कर लिए और ये मेरा बैग है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लैपटॉप और मोबाइल वाइल का सारे, वो चार्जर वार्जर, डेटा केबल और पावर बैंक, सब कुछ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो इसमें आ गया है, और बाकी जितना भी सामान है वो बैग में आ गया है। और तो हमारी बड़ी मम्मी आई हैं, पूछ रही हैं कि कहाँ जा रहा है। अब मैं इनको बता नहीं सकता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा बताना? मैं बता नहीं सकता कहाँ जा रहा हूँ, ये मैं चले जाऊँगा तो माई जी बता देंगे। तो अब तैयार व्यार हो गया हूँ मैं और बस निकलना है यहाँ से। कुछ बोलना चाहेगा तू भी? नहीं, तेरे लिए तो अच्छा ही हुआ मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, फिर से तो आ जाओगे। देख रहे हो, ये भले ही मुझे इतनी गाली देता हो लेकिन ये मुझसे कह रहा फिर से तो आ ही जाओगे। देखो कितना प्यार करता है मेरे को। तो फिर कुछ बोलेगा मेरे लिए? कुछ बोल, हैप्पी जर्नी ऐसा कुछ। हैप्पी जर्नी। तो पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ मैं और निकलने के लिए रेडी हूँ। चलो बाय बाय, बढ़ाओ। बोलना चाहोगे? बेस्ट ऑफ लक बना रहा हूँ। तो यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ सीधे सीधे हाईवे की तरफ, जहाँ और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम की हिचहाइकिंग है जो मैं करने वाला हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है और थोड़ा सा मैं वो भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ इसके लिए। अब देखते हैं। हाँ, चश्मा पहन लिया अब तो। बस अब मैं पहुंचने वाला हूं हाईवे की तरफ और वहां तक ही मुझे छोड़ देंगे। उसके बाद मुझे वहां से सीधे पकड़नी है कोई भी एक, कम से कम मुरादाबाद तक वो छोड़े मुझे। तो हाईवे पे हम नहीं गए, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप के पास में, यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है। तो अभी छोड़ने आए थे हमारे मामा, तो चले गए अब छोड़ के मुझे। मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हूँ और यहाँ से अब देखता हूँ, इनके पास आती रहती है बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ। तो जैसे ही दिल्ली की कोई गाड़ी आएगी या मुरादाबाद की, तो ये मुझे बैठा देगा ना दिल्ली या मुरादाबाद बैठा लेंगे भाई। तो बस वेट कर रहा हूँ मैं, कोई आ जाए गाड़ी, नहीं आती है तो वहाँ रोड में मैं चले जाऊँगा, वहाँ से मिल जाएगी मुझे। तो अभी एक ट्रक मिला है तो हो सकता है ये जाए वहाँ तक, अभी पूछने के लिए गया है भाई, और हो सकता है यहाँ से मेरी हिचहाइकिंग स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं। इधर से लॉन्ग गाड़ी नहीं जाती है ना, खाली अंडर माल रहता है तब उधर से आते हैं, जाने के लिए ओवरलोड गाड़ी होती है ना। चलो कोई नहीं, दस नहीं जा सकते। चलो थैंक यू। तो 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ मैं पेट्रोल पंप के अंदर, अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ छोड़ने के लिए, ले जाने के लिए। तो अब मैं रोड में हूँ, यहाँ से देखता हूँ क्या है। तो मुरादाबाद के लिए अब मिल गए यहाँ से, उन्होंने लिफ्ट दिया मुझे मुरादाबाद तक, वहाँ पहुँच जाऊँ, उसके बाद देखते हैं आगे का सफ़र कैसे होता है। तो चाचा जी अब ये जा रहे हैं पानीपत की तरफ हरियाणा में, और मुझे जाना था दिल्ली, तो अब मैं मुरादाबाद तक देखते हैं, उसके बाद अगर लगा थोड़ा सा मौसम उजाले में पहुंच गया मैं जल्दी अगर मुरादाबाद, तो क्या करना है, और अंधेरा हो गया तो फिर मुरादाबाद में रुकना ही है। जल्दी अगर मैं पहुंच जाऊंगा अगर मुरादाबाद, तो फिर देखते हैं क्या करना है, वहाँ से आगे बढ़ता हूँ या फिर वहीं पर रुकना है।
तो ये मेरे हिचहाइकिंग एक्सपीरियंस का सबसे पहली लिफ्ट थी। तो यहाँ से आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे थे आप? पहला एक्सपीरियंस है मेरा ये, इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है। अब धीरे धीरे अब पता चलेगा मुझे कि क्या क्या। हाँ मेरा घर यहीं पड़ता है आगे। हाँ ये तो हम पीछे से आ गए ना, शहर से अगर जाओगे यहाँ पे तो आप कभी इस तरफ से गए नहीं होगे आप। हाँ उस तरफ जाते थे 20-22 साल पहले। हाँ हाँ बस वहीं उसी मिलिट्री एरिया के पास ही पड़ता है मेरा घर, उससे ज़्यादा दूर नहीं। तो यहाँ से मुरादाबाद करीब 95 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है यहाँ से मुरादाबाद। और वहाँ रुकने के बाद वहाँ से दिल्ली ऐसी करीब पड़ जाता है 150 किलोमीटर, 2.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे यहाँ से मुरादाबाद पहुँचने में। कम हो गई आवाज, बढ़ेगी अभी। अच्छा तो चाचा के लिए अभी मैंने बजा दिया है हरियाणवी गाना जो है, इसका नाम था पाले राम दहिया की। गाने भी दहिया वाले ही सुनोगे, खुद का नाम दहिया है तो गाने भी दहिया सही है। तो पाले राम की क्या थी है रागड़ी, पाले राम की रागनी जो है अभी मैंने लगाया है YouTube से, तो अभी इनको सुना रहा हूँ मैं और काफ़ी खुश लग रहे हैं। तो अभी तो बरेली भी पार नहीं हुआ यार, अभी 28 किलोमीटर और है बरेली। बहुत छोटा समझते हो बरेली को, बरेली बहुत बड़ी जगह है, इतनी भी बड़ी नहीं है दिल्ली की जितनी, पर हाँ बड़ी है।
ही टोल पार किए हैं, लेकिन आज पहली बार मैं ट्रक से टोल पार कर रहा हूँ। सपना चौधरी के गाने सुनते हो? सपना चौधरी गाने सुनते हो? हरियाणा में तो उसी को पसंद करते हैं। हाँ, हरियाणा में तो उसी को पसंद करते हैं। अब जो युवा पीढ़ी है वो सपना चौधरी को पसंद करते हैं। आप लोग सुनते हो? हमारे टाइम में तो नहीं था। हाँ, आपके टाइम में कौन थी? हमारे टाइम में लेडीज थी। कोई लेडीज नहीं थी? कोई लेडीज नहीं थी गाने वाले। अब तो ये आ गई है, चटक मटक कर रही है। One hour later. बस कुछ ही देर में मैं मुरादाबाद पहुंचने वाला हूँ। 4:15 मैं बरेली से बैठा था और अभी 6:15 हो रहा है, तो 5-10 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊँगा मुरादाबाद। कितनी जल्दी टाइम निकल गया बरेली से। किशोर कुमार के गाने सुना सुना के मैं ले आया इनको यहाँ तक, और बस पहुंचने वाला हूँ मैं 5-10 मिनट के अंदर। बोलो यार दादा, आपने तो कुछ बोला ही नहीं है। कुछ भी बोलो। बढ़िया समझते हो रहे और क्या। थोड़ा शर्माते हैं ये बोलने में। बढ़िया समझते हो रहे और क्या। हाँ, बढ़िया सा पड़ता है हो रहा है। और मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाला हूँ, तो मुझे कुछ वो दो, क्या कहते हैं उसे, तजुर्बा बताओ, कुछ टिप्स दो ताकि मुझे रास्ते में काम आए। ऐसा ये पैसे दे लोगों से वाल कर रखियो, अपना एटीएम कार्ड वगैरह जो सही बात है सेफ रखियो। हाँ, वो तो ज़्यादा सोने की कोशिश मत करियो। बस ये आपने सबसे मेन पॉइंट बता दी, सफ़र में ज़्यादा सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि सफ़र में मतलब कोशिश करो कम से कम सो।
और एक मैं जब सोता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोला तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था हिचहाइकिंग का, बरेली से लेके मुरादाबाद तक का। वैसे मैं दिल्ली जा रहा था लेकिन अंधेरा हो गया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक फ्रेंड का घर है और मौसी का घर भी है, तो सोच रहा यहीं पे रुक जाऊँ आज। कल सुबह मॉर्निंग से निकलूँगा वहाँ पर। तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना अच्छा मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा और पहली जर्नी जो होगी मेरी इतनी अच्छी होगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारे चाचा मिले हैं बहुत ही बढ़िया हैं, दोनों का व्यवहार जो है मुझे बहुत बढ़िया लगा और उम्मीद नहीं करी थी मैंने कि इतना अच्छा होगा पहला एक्सपीरियंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं थोड़ा आगे चला गया था और वहाँ से अब मुझे चाचा ने ट्रक रोकी थी, वो बहुत ही आगे चला गया था, तो वहाँ से ऑटो पकड़ के अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास और वहाँ पहुँचते उसके बाद बात करते। One hour later. तो हम आ चुके हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह सैनी के साथ। हेलो। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरे लिए? लौंडा यहाँ था, बहुत सर्वाइव करके आया। देखो आगे का सफ़र कैसा रहता है लौंडे का, बाकी देखते हैं, बाकी तो ब्लॉग में पता चलेगा भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आगे देखो कैसा जाम लगा पड़ा है, लौंडा कैसे सर्वाइव करता करता आया। आया मैं पैदल पैदल आया हूँ। तो बस अब यहाँ पे रात में रुकना पड़ेगा और उसके बाद जो कल सुबह सुबह जो है मुझे निकलना है दिल्ली की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं। वैसे पहला एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है हिचहाइकिंग का, वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि दो ऐसे लोग मिले, बुजुर्ग भी नहीं कहेंगे और यंगर भी नहीं कहेंगे, तो 50-55 साल की उम्र थी चाचा की, तो बहुत ही बढ़िया थे उन्होंने। मतलब कोई भी मतलब डिमांड नहीं करे, कुछ मतलब एटीट्यूड कुछ नहीं था उनके अंदर, और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं अपना ट्रक ला रहा हूँ और वो उनको मैंने रखा है और एक को मैंने लिफ्ट दी है, ऐसा लग रहा था कि मेरा ट्रक। और गाने वाने भी चलाए मैंने उन लोगों का, 100 किलोमीटर तक तो बहुत इंजॉयमेंट करवाया, गाने उन्हें सुनाए हरियाणवी और हिंदी सारे गाने पुराने, काफ़ी अच्छा लगा। अब देखते हैं आगे भी ऐसे ही हिचहाइकिंग हो, अगर ऐसे ही चीज़ चले, अगर ऐसे ही चीज़ें हों तो पूरा सफ़र पूरा ट्रिप जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का वो मेरा अच्छा से निकल जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरी पहली हिचहाइकिंग की, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। Adventure